लुक्का छुपी बहुत हुई। आज मैंने आपको पकड़ ही लिया। शिवांश पांडे जी, आज मैंने आपके पसंद का डिश बनाया है, टमाटर के पकौड़े। आपने रिकमेंड किया था ना बनाने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार टमाटर के ही पकौड़े बनाकर कब खिलाऊँ आपको और आपकी इच्छाओं को पूरा कर दूँ। तो यहाँ पर मैंने दो उबले आलू लिए हैं, इनको मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ। आप इसे हाथों से भी फोड़ कर ले सकते हैं। कढ़ाई को गर्म करना है, जिसमें डालना है 2 चम्मच तेल। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे छोटे चम्मच से 1/2 चम्मच जीरा। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच खड़ा धनिया लिया है और 2 तेज़पत्ता। इनको सौटे करते हैं। 1 बारीक कटी हरी मिर्च, चूँकि मैं 2 आलू से बना रहे हैं इसलिए हम मसाले का इस्तेमाल कम करेंगे। यहाँ मैं बेसिक मसाले ले रही हूँ, जैसे लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला और धनिया जीरा, काली मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर। 5 बेसिक मसाले हैं। अब इन सब मसालों को तेल में हम डाल देंगे। यहाँ फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे, क्योंकि मसाले के पाउडर हैं, ये जल ना जाए। स्लो फ्लेम पर इसे हमें 2 मिनट तक भून लेना है, ताकि मसालों का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। देखिए 2 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब यहाँ पर उबले आलू हम इसमें डाल देंगे और इन्हें अच्छे से कर देना है मिक्स। उलटते पुलटते रहेंगे सारे मसाले, ताकि आलू में अच्छी तरह से समा जाए, मिल जाए। ये रहा हमारा, देखिए इस तरह से आलू। आलू को इसमें आप फोड़ कर भी डाल सकते हैं, मैंने कद्दूकस करके डाला है। आपकी च्वाइस, जैसा आपका मन करे आप वैसा करें। धनिया की पत्ती भी डाल देते हैं, इससे क्या फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब भी इसका स्टफिंग्स आप खाएंगे ना, आपको समोसे के अंदर की जरूर याद आ जाने वाली है मसालों की। नमक भी डाल देंगे स्वाद के अनुसार। तेज पत्ता को निकाल कर फेंक देंगे और इस तरह से हमारा स्टफिंग्स बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे हम प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। तब तक अब ये बहुत गर्म है। यहाँ पर छोटी कटोरी से मैंने बेसन लिया है 1/2 कटोरी। चूँकि 4 टमाटर का ही मैं बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पर हल्दी पाउडर लेंगे छोटे चम्मच से 1/2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, 2 चुटकी सोडा, 1/2 चम्मच अजवाइन। सारे चीज़ें मैंने छोटे वाले चम्मच का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। अब इन सबको अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। और यहाँ पर हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा, एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा पेस्ट पतला हो जाएगा। हमें गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है। इसको अच्छी तरह से 5 मिनट तक फेंटें। इसके बाद ये देखिए इस तरह से हमारा पेस्ट गाढ़ा सा तैयार हो जाएगा। अब यहाँ नमक डाल देंगे 2 चुटकी। चूँकि आलू में हमने पहले भी नमक का इस्तेमाल किया है, इसलिए यहाँ दोबारा कम नमक डालें, नहीं तो नमक का स्वाद तेज़ हो जाएगा। नमक भी फेंट लेते हैं 5 मिनट तक। अब यहाँ टमाटर लेंगे। टमाटर हमें टाइट टाइट वाला इस्तेमाल करना है, नरम टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, नहीं तो भरने में स्टफिंग्स भरने में बहुत परेशानी होता है। अब ऊपर के भाग को काट कर निकाल देना है और अंदर के भागों को हमें खाली करना है। चाकू की सहायता से करेंगे, आसानी से हो जाता है। इसके अंदर के गूदों को और रस को हमें निकाल देना है अच्छी तरह से। अब इसके अंदर के बचे हुए जितने गूदे और रस होंगे, इसको आप सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सर अच्छी तरह से खाली करते हैं। अभी मैं चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ, चम्मच से सारे गूदों और रस को निकाल दे रही हूँ। चम्मच से आसानी से निकल जाता है। तो ये रहा हमारा टमाटर, अच्छी तरह से खाली हो चुका है। इसी तरह से हम सारे टमाटर को काट कर खाली कर देंगे। अब इसमें हम भरेंगे स्टफिंग्स, जो आलू का हमने तैयार करके रखा था। मैं यहाँ, आप हाथों से भी भर सकते हैं या फिर चम्मच से। मैं यहाँ चम्मच से भर रही हूँ और इसे दबा दबा कर भरना, ताकि अंदर तक अच्छी तरह से सारे मसाले घुस जाएं, अंदर खालीपन बिल्कुल भी ना रहे। चम्मच से दबाते हुए इसे हम सेट कर देंगे और ऊपर के भाग को हम बराबर रखेंगे। देखिए चम्मच से मैंने प्रेस कर दिया था, ताकि अंदर तक समा जाए सारे स्टफिंग्स। और इस तरह से देखिए टमाटर अच्छी तरह से भर चुका है। यहाँ तेल भी रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए। अब टमाटर जाएंगे बेसन के घोल में। अब घोल के बाद निकलने के बाद सीधे जाने वाले हैं तेल में। मैंने रिफाइंड ऑयल रखा था गर्म होने के लिए। यहाँ फ्लेम स्लो कर देंगे इस तरह से, एक के बाद एक दूसरा। मैं यहाँ 2 टमाटर को डाल दे रही हूँ और स्लो फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। देखिए एक नीचे का भाग पक चुका है, इसे अब हम उलट देते हैं। देखने पे वड़ा जैसा लग रहा है ना। अब दूसरे भाग को भी हम स्लो फ्लेम पर गोल्डन होने तक पकाएंगे। फ्लेम स्लो रखें, ऐसे उलटते पुलटते रहेंगे और इस तरह से हमारा
टमाटर का पकौड़ा बनकर देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तेल से इसे निकालना है बाहर, एक प्लेट में निकालते हैं। और ये रहा शिवांश पांडे जी टमाटर का पकौड़ा, इसे मैं काट कर आपको दिखाती हूँ। ये रहा हमारा टमाटर का पकौड़ा। तो श्रेयांश पांडे जी, अब तो आप सुकून में होंगे ना कि मैंने आपकी चाहतों को पूरा कर दिया है टमाटर के पकौड़े बनाकर। तो इस तरह से मुझे कमेंट करते रहिए, मैं आपकी फरमाइशों को पूरी करती रहूँगी और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये टमाटर का पकौड़ा बनकर बिल्कुल तैयार है, मैं तो चलिए अब खाने। आपको खाना हो तो मेरी रेसिपी बनाइए और मज़े से खाइए, जिसे बनाना बहुत ही आसान, देखने पे वड़ा जैसा लगेगा और खाने पे बहुत टेस्टी और हेल्दी टेस्टी नाश्ता।